नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आज की चर्चा का हमारा विषय है भारत रूस साझेदारी। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भारत की दो दिवसीय यात्रा पर हैं। उन्होंने मंगलवार को अपने समकक्ष विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय संबंधों को लेकर वार्ता की है। दोनों देशों के बीच आपसी हित और अन्य वैश्विक मुद्दों के साथ ही सालाना शिखर सम्मेलन की तैयारियों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई, जिसके लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को दिल्ली आना है। वार्ता के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच परमाणु ऊर्जा, व्यापार और सैन्य सहयोग के अलावा अन्य क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर और रूस के विदेश मंत्री के बीच चीन के रवैये समेत हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थायित्व को लेकर भी बातचीत हुई है। दोनों विदेश मंत्रियों ने यह साफ किया है कि ना तो रूस चीन के साथ मिलकर कोई सैनिक गठजोड़ बना रहा है और ना ही भारत अमेरिका के साथ, बल्कि दोनों देश मध्य पूर्व, ईरान, अफगानिस्तान और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आपसी सहयोग को और मजबूत बनाने पर सहमत हुए हैं। भारत ने यह कहा है कि रूस हमारे सबसे अहम साझेदार में से एक है और दुनिया की राजनीति में आ रहे उतार चढ़ाव के बावजूद उसके साथ संबंधों में लगातार प्रगति हो रही है, विकास हो रहा है। भारत और रूस के बीच विश्वास और मजबूत हुआ है, इतिहास इसका गवाह है। वो एक ऐसा बड़ा देश है जिसके साथ भारत के कोई बड़े मतभेद नहीं रहे। रूस भारत के हथियार बेचने वाला एक प्रमुख देश है और यह स्थिति शीत युद्ध के दौर से बनी हुई है। आज की चर्चा में आज बात करेंगे भारत रूस संबंध और साझेदारी की। बदली हुई वैश्विक परिस्थितियों में ये साझेदारी कितनी अटूट है और भारत के लिए बदलते अंतर्राष्ट्रीय समीकरणों और प्राथमिकताओं के बीच नए और पुराने दोस्तों में संतुलन बनाए रखना कितनी बड़ी चुनौती है और इसे लेकर भारत की क्या रणनीति है। दो बेहद खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं इस पर चर्चा करने के लिए। आपका उनसे परिचय करवा दूं। एसआर है तायल, पूर्व राजदूत हैं आप, सर स्वागत है आपका संसद टीवी में। साथ ही डॉक्टर श्रीराम चौलिया हैं, आप विदेश मामलों के विशेषज्ञ हैं, आप दोनों का बहुत स्वागत। चर्चा की शुरुआत मैं पूर्व राजदूत एस आर तायल सर आपसे करना चाहूंगी। हम जानते हैं कि रूस के विदेश मंत्री लावरोव भारत की दो दिवसीय यात्रा पे हैं, उनके विदेश मंत्री के साथ एक अच्छी बातचीत हुई है। जो बातें निकलकर सामने आई हैं, जिस तरह की वैश्विक परिस्थितियां हैं, समीकरण हैं, प्राथमिकताएं हैं इस समय भारत के सामने, रूस और भारत के साझेदारी को, उसके संबंधों को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, रूस के जो विदेश मंत्री हैं सर्जेई लावरोव, वो 2004 से रूस के विदेश मंत्री हैं जी, और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बहुत ही खास हैं और बहुत ही उनके नज़दीक हैं। तो जो भी वो कहते हैं या बोलते हैं वो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का ही बोलना और सोचना है जिसको वो रिफ्लेक्ट करते हैं। और आज जो बातचीत हुई और उसके बाद जो पब्लिकली कहा गया, उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें कही गई, स्पेशल एंड स्ट्रेटजिक प्रिविलेज, स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप और किन किन चीज़ों पर कोई मतभेद नहीं है, जैसा कि हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी ने कहा, स्पेस हो, न्यूक्लियर एनर्जी हो, डिफेंस इक्विपमेंट की बात हो, क्योंकि रशिया हमेशा डिफेंस इक्विपमेंट भारत को अधिक बेचना चाहता है। पर जो बातें पब्लिकली अनकही रही और जिनका हिंट जो रशिया के दूतावास से जो वक्तव्य आया था उसमें दिया गया, उस पर हम सबको ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत और रूस जिस तरह एशिया पैसिफिक, अभी भी रशिया एशिया पैसिफिक शब्द इस्तेमाल करता है, इंडो पैसिफिक शब्द इस्तेमाल नहीं करता है, तो ये जो पूरा रीजन है, चाहे इसको एशिया पैसिफिक कहें, इंडो पैसिफिक कहें, इसकी तरफ रशिया और भारत का नज़रिया थोड़ा बदला हुआ है जी। और जिस तरह रशिया ने क्वाड को इंटरप्रेट किया है कि वो एक गठबंधन है, उसमें भी भारत और रशिया के बीच में नज़रिए में फ़र्क है जी। तो ये बात जो आज हुई, मैं समझता हूँ बहुत ही अहम है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जी। कि भारत की अपनी क्या समस्याएं हैं
और भारत का जो 2000 पिछले साल ने चीन ने जिस तरह से भारत के साथ सलूक किया और भी देशों के साथ सलूक किया, वो क्यों रशिया समझ नहीं पा रहा है कि भारत का जो नीति है इस समय हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती चीन का एक जो प्रभुत्व बढ़ाने का एक पॉलिसी है, उसके जो कार्य हैं, उसके एक्शंस हैं लद्दाख में, उनका मैं कहूँगा उस तरह का एक रिएक्शन है जी। भारत कभी नहीं चाहता कि चीन के साथ हमारे संबंध बिगड़ें, पर शायद कोई विकल्प नहीं है जी। और जैसा जो रशियन दूतावास के स्टेटमेंट में आया कि जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके बारे में भी बातचीत की जाएगी, देखिए एक रशिया इंडिया चाइना डायलॉग है, ब्रिक्स है, ये सब SCO है, अगर भारत और चाइना के बीच में बदमजगी रहेगी, जी। अगर भारत और चाइना के राजनेता शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी आपस में बातचीत करने में एक प्लेटफॉर्म पर आने में कतराएंगे, तो इन सब ऑर्गेनाइजेशंस का भविष्य भी थोड़ा सा खटाई में पड़ सकता है। तो रशिया का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है इसमें कि भारत की कंसर्न्स को समझे, और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि उसने रशिया में ने भारत की कंसर्न्स को ठीक से नहीं समझा है और उसको हमें समझाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि रशिया के साथ हमारे रिलेशंस बहुत पुराने हैं, बहुत बहुत ही गंभीर, बहुत ही क्लोज है जी। और उन हमारी डिफेंस रिलेशनशिप है, और अगर चाइना के साथ कुछ बदमस्गी होती है तो पूरा रशिया का रोल उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। S-400 ट्राइम्फ हम उनसे खरीद रहे हैं जी। तो रशिया की अगर ये एक भावना है या एक वो कुछ फील कर रहा है कि भारत अमेरिका की तरफ अधिक जा रहा है, ये बहुत ही एक गलत विचार है जिसको कि हमें और हमारे राजनेताओं को, हमारे फॉरेन मिनिस्टर को, हम सबको उसको दूर करने की बहुत आवश्यकता है कि भारत ने कभी किसी अलायंस में पार्टिसिपेट नहीं किया है, अब भी जो भी हमारा नीतियां हैं वो सबके प्रति खुली हुई हैं, हमारी जहां तक देखिए कोई भी स्टेटमेंट आया है, हमने चाइना को हमारे किसी राजनेता ने क्रिटिसाइज नहीं किया है, शी जिनपिंग प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को क्रिटिसाइज नहीं किया है, तो हर तरह से हमने एक रास्ता हमारे राजनेताओं ने, हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री ने चीन के प्रति भी सद्भाव का रास्ता, मैत्री का रास्ता बंद नहीं किया है और रशिया को ये समझना बहुत आवश्यक है। तीसरी चीज जो अफगानिस्तान में इस समय हमें, जिस समय रशिया अफगानिस्तान का सोल्यूशन देख रहा है और भारत जिस तरह अफगानिस्तान का सोल्यूशन देख रहा है, उसमें तो जमीन आसमान का फर्क है जी। रशिया इस समय चाइना और पाकिस्तान के साथ मिलकर अपनी नीति बना रहा है कि तालिबान के साथ कैसे डील करना है, वो चाहता है कि अमेरिका जल्दी से जल्दी अफगानिस्तान से चला जाए, और ये रशिया के अपने हित में नहीं है, जो कि उनको समझना चाहिए पर क्यों वो नहीं समझ पा रहे हैं, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ। बिल्कुल, और कि ये भारत के लिए भी एक वापस आ बड़ी चुनौती है जाएंगे कि और वो अपने इतने बड़े साझीदार और सबसे पुराने विश्वसनीय मित्र को ये बातें कैसे समझाए। डॉक्टर श्रीराम चौलिया, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। भारत ने भी कहा है कि रूस हमारे सबसे अहम साझेदार में से एक है और दुनिया की राजनीति में उतार चढ़ाव के बावजूद हमारे जो संबंध है वो लगातार जो है विकास के पथ पर हैं, प्रगति के पथ पर हैं, लेकिन बदली हुई वैश्विक परिस्थितियों में लावरोव की ये जो भारत यात्रा है उससे निकलने वाले संदेश को आप कैसे देख रही हैं? जिन अहम बातों का और चुनौतियों का जिक्र तायल सर ने किया है उसको लेकर भारत के सामने किस तरह की चुनौतियां हैं, उसे भारत कैसे एड्रेस करेगा? जी अमृता, दरार कह लीजिए या थोड़ी बहुत सिलवट तो आ गई है, ये जैसे आपने कहा पुरानी दोस्ती है, द्रुजबा दोस्ती का जो हम जिक्र करते हैं, लेकिन अब मतभेद हैं कुछ प्रांतीय विषयों पर और वैश्विक स्तर पर भी मतभेद हैं। देखिए सबसे बड़ा मतभेद ये है कि रूस और अमेरिका के बीच में तनाव जो हैं वो बाइडेन सरकार जब से आई है वो शायद बढ़ेंगी, और ट्रंप के ज़माने में फिर भी पुतिन विश्वास रखते थे कि किसी न किसी तरह अमेरिका के साथ एक सुलह कर लें, लेकिन जब से बाइडेन आए हैं रूस के अंदर जैसे ये लोकतांत्रिक शक्तियां हैं जो आंदोलनकारी हैं, प्रदर्शनियां हो रही हैं, एलेक्सी नवालनी का जो विषय है, इन सब चीज़ों पे लोकतंत्र और मानवाधिकार के विषयों पर पश्चिम ने जैसे एक तरह से रूस की बहुत निंदा शुरू कर दी है, और लग नहीं रहा कि आर्थिक प्रतिबंध
जो रूस पर 2014 से लगे हुए थे पश्चिम के तरफ से, वो हटाए जाएंगे, जो यूक्रेन में जब इन्होंने दखलंदाजी की तब से हो रहे हैं। तो इस विषय पर खासा नाराज हैं व्लादिमीर पुटिन, और वो इसी वजह से ज़्यादा चीन के करीबी होते जा रहे हैं। और जैसे तायल साहब कह रहे थे, क्योंकि हमारी अभी अनबन चल रही है चीन के साथ, और हमारी और हमें अमेरिका और यूरोप से ज़्यादा निकटता हमारी होती जा रही है, क्योंकि हमें चीन को काउंटर बैलेंस भी करना है जी। तो इस सिलसिले में रूस को लग रहा है कि भारत एक तरह से बदल गया है, और रूस के नज़रिए से अगर हम देखें तो उन्हें लगता है कि हम जो है प्रो वेस्टर्न हो गए हैं ज़्यादा, और इसीलिए थोड़ी बहुत देखिए जो जो अलग अलग क्षेत्रों की बात करते तायल साहब, उन सभीों में भू राजनीतिक तौर पर कुछ मतभेद हैं, जी। लेकिन देखिए रूस एक व्यावहारिक शक्ति भी है, और रूस चाहता है कि जैसे जो आपस में जो रक्षा क्षेत्र में जो आपूर्ति होती रही है रूस से कि वो बनी रहे उससे, क्योंकि अभी भी भारत उनका नंबर वन कस्टमर है, ऐसा नहीं है कि कम हुआ है, हमने बहुत ज्यादा निर्भरता कम करी है, अभी फ्रांस है, इसराइल हो, अमेरिका, इन सब से भी हम खरीद रहे हैं हथियार, और लेकिन रूस अभी भी लगभग 50% उसके जो सेल्स हैं वो हम कर रहे हैं, तो हम खरीद रहे हैं, तो इस मायने में रूस हमें छोड़ना नहीं चाहता है, तो ये देखिए एक बड़ी चीज़ है। और आज डॉक्टर जयशंकर ने एक बड़ी दिलचस्प बात कही कि पिछले वर्ष हमारी जितनी आवश्यकताएं थी रक्षा के क्षेत्र में रूस ने तत्पर प्रदान किए, इसका मतलब क्या है, ये हमने जब LAC पे हमारी चीन के साथ बहुत ही संघर्षपूर्ण माहौल था तब हमने बहुत ही अर्जेंट तौर पर इमरजेंसी तौर पर हमने हथियार मंगवाए थे, और रूस ने स्पेयर पार्ट्स वगैरह की कमी थी और फौरन ही बिना ही चक उसने दिए, ये हालांकि चीन और रूस में जैसे हम कह रहे हैं कि संधि जैसे अलायंस की तरफ एक तरफ बात हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ रूस मुकरता नहीं है जब हमने इस तरह के हथियार उनसे मांगे थे, तो एक तरह से देखिए उनकी भी जरूरत है, चीन को भी रूस हथियार बेच रहा है, जैसे S-400 की बात हो रही है वो जो हम ले रहे हैं उनसे और जिस पे अमेरिका एतराज जता रहा है उसे उन्होंने चीन को भी दे रखी है, तो एक तरह से एक बाजार के तौर पर और अब साथ साथ निवेश भी हो रहे हैं, तो रक्षा के क्षेत्र में अभी कोऑपरेशन बढ़ेगी, और इसी संदर्भ में सर्गे लावरों ने कहा कि चीन के साथ हमारी कोई मिलिट्री अलायंस नहीं बनने वाली, जैसे आपने शुरुआत में कहा था, वो इसलिए है क्योंकि भारत उनका डिफेंस में बड़ा कस्टमर है, चीन से भी बड़ा कस्टमर है, तो उनका एक जैसे लाभ है, निजी लाभ है। दूसरा, हम नहीं चाहेंगे कि रूस के साथ और ये जो अंतर्विरोध जो है वो बढ़े, क्योंकि आप देखिए भू राजनीति के तौर पर देखिए तो चीन को अगर इंडो पैसिफिक की बात है, हिंद प्रशांत की, आपने जैसे ताल साहब कह रहे हैं कि रूस मानने को तैयार नहीं है अभी तक हमारी जो विजन है, लेकिन कुछ हद तक हम दूरियां कम करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारी रणनीति अब यही है कि पश्चिमी देश हो, एशियाई देश हो, यूरेशियाई देश, रूस जिसका नेता है यूरेशिया का, सभी आए और सभी इंडो पैसिफिक में शामिल हों ताकि एक संतुलन बने, क्योंकि हम नहीं चाहते कि चीन एक तरह पूरी तरह हावी हो जाए यहाँ पर, एक जैसे उनकी मोनोपोली बने, तो रूस को भी हम रिझा रहे हैं। ईस्टर्न मैरिटाइम कॉरिडोर की बात हो रही है कि चेन्नई से लेकर व्लादिवोस्टोक, रूस के जो फार ईस्ट पूर्वी जो दूर सुदूर पूर्व हैं वहां तक शिपिंग चले, अभी लाइन शुरू हो गई है, जहाजें जाने लगी हैं, तो उसमें हम जापान को भी इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं, ये एक नया एक देखिए दिलचस्प त्रिकोणीय समीकरण बन रहा है कि रूस, जापान और भारत तीनों किस तरह इसको एक्टिवेट करें, और इस ईस्टर्न मैरिटाइम कॉरिडोर के जरिए हम कुछ हद तक जो दक्षिण पूर्व एशिया है, आसियान के देश है, उनको भी शामिल करना चाह रहे हैं उनसे भी, क्योंकि अगर 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 रूस से गैस आता है हमारे यहाँ निर्यात, तो फिर हम चाहेंगे कि रास्ते में और भी देश हों, उन वो भी लाभ उठाएं, तो इस तरह से एक जैसे एक जटिल आपको पिक्चर नजर आ रहा है, और इसमें कोई जरूरी नहीं है कि भारत और रूस और बढ़ जाएं, तो इसलिए मेरे ख्याल से बहुत आवश्यक है इस वर्ष जो शिखर वार्ता होगी पुतिन साहब और
मोदी जी की, और इसके लिए हम पृष्ठभूमि लावरॉव साहब ने आज आज डाला है डॉक्टर जयशंकर के साथ, तो मेरे ख्याल से हम चाहेंगे कि अनबन जितनी कम हो बेहतर है हमारे लिए, क्योंकि वरना अगर रूस हमारे साथ ना हो तो फिर हमारे लिए ये जो पूरा क्षेत्र है इसके संतुलन, सामरिक संतुलन, जो बैलेंस ऑफ पावर जो हम कहते हैं, वो बिगड़ सकता है, और वो चीन पूरी तरह से, और रूस भी नहीं चाहता है, हालांकि ऊपरी तौर पे कहते हैं कि चीन हमारे, चीन और हम एकजुट हैं पश्चिम के खिलाफ, लेकिन रूस नहीं चाहता कि यूरेशिया जो क्षेत्र है उसमें चीन उसको बिल्कुल। और सर ऐसे में सवाल दे यही होता है तो कि दोनों देशों के बीच जो समझ है वो कितनी बढ़ेगी, कितनी व्यापक होगी और किस तरीके से बढ़ेगी। तायल सर मैं आपका रुक करना चाहूंगी, और रूस और चीन की बात की जाए क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद मंच की जो बात सामने आ रही थी, हालांकि लावरोव ने कहा है साफ तौर पे कि चीन के साथ कोई उनका मिलिट्री अलायंस जैसी कोई बात नहीं है, इसको लेकर कोई प्लान नहीं है, लेकिन ये जो क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद मंच है, क्या ये प्रस्ताव जो है वो क्वाड के जवाब में माना जा रहा है, इसे लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि इसका जो जड़ है, जो रूस का इस समय जिस तरह की नीतियां बन रही हैं, उसके जड़ पर है कि अमेरिका और जैसा प्रोफेसर चौलिया ने कहा, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और पश्चिम के जो देश हैं वो रूस को समझ नहीं रहे हैं और उसको पुश कर रहे हैं अपनी नीतियों को, गलत नीतियों के द्वारा चाइना की तरफ। देखिए, रशिया एक बहुत बड़ा देश है, न्यूक्लियर वेपन्स वाला देश है, और उसको एक रेस्पेक्ट से ट्रीट करना आवश्यक है, उसके नेताओं को रेस्पेक्ट से ट्रीट करना आवश्यक है, और प्रेसिडेंट बाइडेन ने कह दिया कि ये प्रेसिडेंट पुतिन तो किलर है, तो इस तरह की बात करना ठीक नहीं है। दूसरा, अगर गंभीरता से देखें तो क्राइमिया वगैरह तो हमेशा रशिया के पार्ट थे और किसी तरह उन्होंने यूक्रेन को दे दिए, तो बहुत ही गलत इंटरप्रिटेशन वेस्ट में की गई है रशिया के जो भी मूव्स हैं। देखिए, रशिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा मौतें, सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन रशिया सोवियत यूनियन का हुआ था, नेपोलियन ने क्या किया था पूरे रशिया को। तो रशिया एक बड़ा सिक्योरिटी माइंडेड स्टेट है, एक बहुत सिक्योरिटी माइंडेड देश है, और जो अमेरिकन्स और वेस्ट वो उसको समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्होंने जो भी किया, देखिए वो अपनी सुरक्षा के लिए कर रहा है। अगर अमेरिका अपनी सुरक्षा के लिए अफगानिस्तान को तबाह कर सकता है, अगर अपनी सुरक्षा के लिए इराक को तबाह कर सकता है, अपनी सुरक्षा के लिए लीबिया को तबाह कर सकता है, अपनी सुरक्षा के लिए सीरिया को तबाह कर सकता है, जो इतने दूर देश है, तो उनको भी समझना चाहिए कि रशिया के तो बिल्कुल ये चिपके हुए देश है जो पहले सोवियत यूनियन के पार्ट थे। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत गलत नीति जो अमेरिका और वेस्ट की है वो रशिया और चाइना को एक दूसरे के करीब ला रही है जी। और कोई भी जियो स्ट्रेटजिक एक्सपर्ट हो या बैलेंस ऑफ पावर का एक्सपर्ट हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे पेरिस में हो या लंदन में हो, उसको समझना चाहिए कि जो अमेरिका का अगला दुश्मन है, फ्यूचर का दुश्मन है, वो है चाइना। चाहे वो आइडियोलॉजिकली देखे, जियो स्ट्रेटजिकली देखे, इकोनॉमिकली देखे, कल्चरली देखे, गवर्नेंस के थ्रू देखे, और वो अभी तक रशिया से ऑब्सेस्ड है, और रशिया और चाइना मिलकर एक बहुत ही फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन हो जाएगा, और उसको बहुत मुश्किल से, भारत तो खैर क्या डील करेगा, भारत और अमेरिका को सबको साथ मिलकर भी डील करना मुश्किल होगा। मैं समझता हूँ कि इस समय ये सब इक्वेशंस, जैसा आपने कहा था कि ये सब समीकरण बदल रहे हैं, सब समीकरण इन फ्लक्स हैं, और हमको बहुत ही एक चतुर राजनीति, एक बहुत फ्लेक्सिबल डिप्लोमेसी, सबसे ओपन डिप्लोमेसी को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जिसमें हमारे रास्ते हर देश के साथ खुले रहें। और रशिया के साथ तो देखिए 1971 हो, उससे पहले हो, बहुत ही एक संबंध बहुत मधुर हैं, बहुत क्लोज हैं, और इसीलिए फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने फिर उन्हीं बातों का जिक्र किया जी। जैसे कुदानकुलम में जो नए पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट की तरफ पहले ही समझौता हो चुका है और वो उस पर आगे बढ़ेंगे, स्पेस में आगे बढ़ेंगे, तो जो भी हमारी कन्वर्जेंसेस हैं उनको और आगे बढ़ाएं, उन पर और आगे चलें जी। पर जो हमारी कंसर्न्स हैं उनको भी रशिया को ठीक से अवगत कराएं कि चाइना ने पिछले साल जो किया, चाइना एग्रेसर था,
चाइना ने अपने जितने पहले एग्रीमेंट्स, चाहे वो ट्रैंक्विलिटी पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट 1993 का हो या उसके बाद के हो, उनको तोड़ा, और इस वजह से जो स्थिति है वो भारत और चीन के बीच में गंभीर है। पर फिर भी भारत बिल्कुल बातचीत करने के लिए तैयार है, और पिछली बातचीत के बाद जो हमने देखा पांगोंग सो पर, भारत अब हाइट से पीछे हटा और चाइना भी पीछे हटा, तो दोनों देशों में एक इच्छा है कि संबंध किसी तरह थोड़े स्टेबलाइज हो, और शायद इसमें रशिया कुछ रोल प्ले कर सकता है या उसको और करना यही चाहिए हुआ कि किस समझ के साथ जो है वो रूस इसमें रोल जो है वो अदा करता है। श्रीराम चौलिया, मैं आपका रुख करना चाहूँगी, और जैसा कि आपने पहले भी कहा कि हम जानते हैं कि हथियारों की खरीद के मामले में भारत जो है रूस के लिए एक बड़ा बाजार है, अब अमेरिका भी भारत को एक बड़े बाजार के रूप में देख रहा है, रूस भारत को छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन पिछले कुछ सालों में अमेरिका के साथ भारत के संबंध काफ़ी प्रगाढ़ हुए हैं, ऐसे में भारत के लिए पुराने दोस्तों में नए दोस्तों में संतुलन बनाना कितनी बड़ी चुनौती है, और इसे लेकर भारत की क्या रणनीति जो है वो नजर आ रही है? देखिए, एक उदाहरण दूंगा, ये S-400 जो हम खरीद रहे हैं रूस से, इस पे अमेरिका ने आपत्ति जताई है, और अभी तक कई वर्षों से वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि भारत पर प्रतिबंध लग जाए क्योंकि हमने रूस से ये खरीदा है, लेकिन अभी तक अमल नहीं हुए हैं। तो ये एक नाजुक विषय है, तो इसे जितना जल्दी हो सके हम चाहेंगे कि इसको हम क्लियर करें और आगे बढ़ पाएं, इसमें रूस का भी भला है और अमेरिका का भी। और अमेरिका मेरे ख्याल से भारत और रूस के रिश्तों को एक तरह से समझता है, क्योंकि ये जैसे आपने कहा ये ऐतिहासिक हैं और कई दशकों से चल रहा है, लेकिन अमेरिका ज़रूर चाहता है कि भारत में ज़्यादा उनके जो हथियार हैं वो बेचें जी। लेकिन अमेरिका और रूस में एक बड़ा अंतर ये है कि अमेरिका ने अभी जो जॉइंट जो को मैन्युफैक्चरिंग जो आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया की जो हम बात करते हैं उसमें अमेरिका का योगदान कम है जी। और डिफेंस के क्षेत्र में रूस ने हमारे साथ काफ़ी कुछ बनाया है, हमने ब्रह्मोस मिसाइल बनाए हैं, सुखोई एयरक्राफ्ट बन रहे हैं, बैटल टैंक बन रहे हैं, ये लाइट वेपन जो हम कहते हैं ना, ये ऑटोमेटिक गन्स बनेंगे, तो ये सब जो चीज़ें हैं इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र प्रौद्योगिकी जो एक देश दूसरे देश के साथ साझा करती है उसमें रूस काफ़ी आगे हैं अमेरिका से। और क्योंकि रूस एक तरह से डिफेंसिव है, क्योंकि उसकी जो शेयर थी पहले बहुत ज़्यादा थी और अब घट रही है भारत की बाजार में डिफेंस मार्केट, तो अमेरिका एक तरह से उसमें घुसाना चाहता है और रूस को डिसलॉज करना चाहता है, तो एक तरह से कॉम्पिटिशन है, हमारे लिए ख़राब नहीं है क्योंकि उससे सौदा हमारे लिए अच्छा बन जाता है। लेकिन एक वैश्विक तौर पे जैसे तायल साहब कह रहे हैं, देखिए हम अमेरिका को भी समझाना चाह रहे हैं और शायद हमने कम्युनिकेट भी किया है कि अगर आपको चीन से को लागू टोल पे लगाम रखनी है तो आप एक साथ दोनों रूस और चीन दोनों के विरुद्ध आप जंग मत छेड़िए, फ्रंट मत खोलिए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर वो दोनों साथ मिलेंगे और ये जो पूरा यूरेशिया है इसमें अमेरिका के लिए कोई जगह नहीं रहेगी। बल्कि अफगानिस्तान में भी जैसे ताहिल साहब कह रहे थे कि रशिया क्यों चाह रहा है कि अमेरिकी फौज वहां से निकल आए और तालिबान एक तरह से सरकार में आ जाए, ये पहले रूस नहीं कर रहा था बल्कि पिछले कुछ सालों में कह रही है, क्योंकि एक तरह से चीन और रूस कोऑर्डिनेट कर रहे हैं इस विषय पर जी। और अभी हाल ही में मॉस्को में अफगानिस्तान में एक शांति प्रक्रिया के लिए एक बैठक बुलाई गई जिसमें तालिबान के वक्ता भी थे, अफगान सरकार के थे, और उन्होंने पाकिस्तान, चीन और ईरान इन तीनों को ही बुलाया एक्सपेंडेड ट्रॉयका बोलकर। बिल्कुल, तो कुल मिला के जो भी बातें आपने भी बताई, तार साहब ने बताई, इन परिस्थितियों में भारत के लिए एक बैलेंस अप्रोच के साथ आगे बढ़ना, एक बैलेंसिंग अप्रोच के साथ इन देशों के साथ अपने संबंधों को आगे बढ़ाना बेहद ज़रूरी हो जाता है। आप दोनों खास मेहमानों का शुक्रिया इस चर्चा में हमसे बातचीत करने के लिए। तो शीत युद्ध के दौरान से ही चले आ रहे भारत और रूस के प्रगाढ़ संबंधों के बीच जो बदली हुई वैश्विक परिस्थितियां हैं, जो बदले हुए समीकरण हैं, भारत अब मल्टी अलाइनमेंट की नीति अपना रहा है, यानी कि सभी पक्षों के साथ
किसी ना किसी तरह का संबंध, किसी के साथ आर्थिक, किसी के साथ रणनीतिक, तो किसी के साथ राजनीतिक साझेदारी, यानी अपने हितों को लेकर भारत को संबंधों के बीच बड़ी ही सावधानी से एक संतुलन के साथ आगे चलना होगा और इस संतुलन को कायम रखना होगा। इसी के साथ आज की चर्चा में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।